ट्रेनी स्टाफ नर्स के रूप में कोविड महामारी के दौरान सेवाएं देने वाली नर्सिंग छात्राओं ने बड़वानी के संजीवनी अस्पताल की संचालक डॉक्टर रश्मि पाटीदार पर वेतन भुगतान न करने का आरोप लगाया है। दरअसल अस्पताल प्रबंधन ने कोविड के दौरान 10 छात्राओं को काम पर रखा था। डॉक्टर रश्मि पाटीदार ने सभी को 6,000 रुपये महीना वेतन और 4,000 रुपये महीना कोविड राशि देने की बात कही थी, पर अब आधी राशि देकर प्रबंधन छात्राओं से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। इसके खिलाफ छात्राओं ने SDM को शिकायत देकर बकाया राशि दिलवाने की मांग की है। सैलरी 10,000 करके बुलाए थे और 4,000 दे रही है। जब हम सैलरी मांगने गए तो बोले कि तुमको काम नहीं आता करके बोल रही हैं और बोले कि तुम मेडिसिन ले गए हमारी गायब हुई करके बोलते हैं और तुमको काम आता नहीं हमारे पेशेंट को गलत गलत बोल रही है। सैलरी नहीं जल्दी जा रही है संजीवनी हॉस्पिटल आज कुछ स्टाफ नर्सेस के द्वारा संजीवनी हॉस्पिटल को लेकर शिकायत की है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनको 10,000 रुपये पर मंथ में स्टाफ नर्स के रूप में हॉस्पिटल में सेवा देने के लिए रखा गया था, परंतु उनको पूरा भुगतान ना करके आधा भुगतान किया गया है। इसको लेकर शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी जाँच की जाएगी और जाँच के उपरांत आवश्यक